जय श्री राम भक्तों, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव। वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौन सा पूजा, कौन सा मंत्र पढ़े जिससे महादेव जी जल्द प्रसन्न हो जाए। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव के प्रिय वस्तु एवं पूजा करने के सही तरीका बताया गया है, जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव शक्ति के साथ धरती पर महाशिवरात्रि को आते हैं। उस दिन मात्र 21, 51 या 101 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर के चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपका मनचाहा इच्छा पूरी करते हैं। भक्तों, बेलपत्र का महत्व शास्त्रों में बहुत बताया गया है, लेकिन याद रहे हमेशा 3 पत्तों वाला ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। भक्तों, शिवरात्रि के दिन गाय बैल को हरी घास या मिठाई जरूर खिलाएं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। घास या खिलाते समय अपनी इच्छा को बोलें, चाहे जो आपकी इच्छा हो अवश्य पूरी हो जाएगी। पूजा करने के तुरंत बाद ही गाय का या बैल का घास खिलाइए या मिठाई खिलाइए। भक्तों, पूर्ण विश्वास एवं आस्था के साथ ही यह कार्य करें, देखना आपकी जिंदगी में कैसे अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी हर दुख दरिद्रता जड़ से खत्म होने लगेगी और आपके घर में एक नई ऊर्जा का आभास होने लगेगी। भक्तों, यह प्रक्रिया शिवरात्रि से शुरू करके लगातार 41 दिन तक करें, देखना आपके साथ चमत्कार हर कार्य में होगा। बिगड़ा काम बनने लगेगा, व्यापार नौकरी में उन्नति होने लगेगी, घर का कलह शांत हो जाएगा, परिवार में अगर अनबन चल रहा है तो सभी परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ने लगेगा, भाई भाई सब मिलजुल करके रहने लगेंगे, आपकी सभी खुशियां लौट आएगी। भक्तों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में नए ज्ञान के साथ मिलेंगे। भक्तों, वेदात्मा चैनल एक भक्ति चैनल है, इस भक्ति चैनल को आप जन जन तक शेयर करें। धन्यवाद।